परासिया में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने पुतला जलाया। महिला नेताओं का आरोप है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ईडीसी ग्राउंड में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम था, तो वहीं दूसरी ओर परासिया में भाजपा महिला मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की नेता माया डेहरिया ने बताया कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज और माफी करने के नाम पर बेवकूफ बनाया, अब महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान के नाम पर झूठा आश्वासन दे रहे हैं। महिलाओं को सम्मान के नाम पर लॉलीपॉप दी जा रही है। झूठे वादे के कारण ये चुनाव जीते चले जा रहे हैं, लेकिन अब ये महिलाओं की सम्मान की बात है। महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। जो महिलाओं के सम्मान में सामने आएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। महिलाओं ने हमेशा से ये प्रयास किया है। शिवराज जी चौहान ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है वो अभी तक कोई सरकार दी है न देगी। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि महिला सम्मान की कार्यक्रम जो रखे हैं, तो आप कई सालों से सांसद रहे और कई केंद्रीय मंत्री भी रहे, आपकी सरकार 2018 में 15 महीने रही, तो कौन सी महिला हित के लिए कार्यक्रम करें? हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मामा जी महिला के हित के लिए कई योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।